क्योंकि पहले भी CUT के साथ जो है क्लैशेस आ रहे थे, उस मामले में, उस मसले में इन्होंने दोबारा डेट शीट निकाली थी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फ्यूचर का सोचा जाए, हमारे कैरियर का सोचा जाए, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलो, क्योंकि बेरोज़गारी पहले ही हद से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल, मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ और आप तक एक पेशकश लेकर के आ रहा हूँ जो बहुत ही अहमियत और इफादियत की हामिल है उन सभी तलबा व तालिबात के लिए जो भी मुख्तलिफ तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में अपने एग्ज़ाम्स दे करके, एंट्रेंस टेस्ट दे करके अपनी एडमिशन्स लेना चाहते हैं। आप सबको मालूम है पिछले कुछ दिनों तक तो हंगामा CUET के एग्ज़ाम्स पर रहा, लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ थम रही है तो एक दूसरा मसला निकल करके सामने आ रहा है। अगर देखा जाए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो CUET के अंदर अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरीके के टेस्ट के लिए अपनी अपनी मुख्तलिफ तरीके की डेट्स देते हैं, उसमें चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा और भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, उनमें जो भी बच्चे मुख्तलिफ तरीके के PG प्रोग्राम्स में एडमिशन्स कराना चाहते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट जितना भी कोर्स है उनके दरमियान आपस में कोई ना कोई क्लैश रहता है। इसी सिलसिले में आपको बताने की कोशिश करूँगा, काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे साथ ये शिकायत दर्ज की कि उनके काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट छूट गए, जो भी बैरूनी यूनिवर्सिटियाँ थी हमारी स्टेट या UT के बाहर, उन यूनिवर्सिटीज़ में उनके एग्ज़ाम्स इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि उनके UG 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स यहाँ पे चल रहे थे। इसी सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर भी जो इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम्स के लिए PG के लिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी जारी हैं और अब भी डेट्स क्लैश कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने ये शिकायत दर्ज की कि उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलेज के स्टूडेंट जुड़ेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या इस मसले से कुछ ही बच्चे जूझ रहे हैं या जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे बच्चे इससे जूझ रहे हैं, आप भी तबसरे में बता सकते हैं। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा क्या क्लैशेज आ रहे हैं आपको और क्यों आपको आज मीडिया के सामने आना पड़ा। देखिए इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ये आवाज़ आगे जो है उमेश राय सर तक पहुंचाने की। देखिए मेरा मसला, मेरा इनसे कहना, मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है उमेश राय सर से, VC से, कि ये जो बीच में क्लैश कर रहे हैं, ये डेट्स क्यों क्लैश कर रहे हैं, या तो ये इनकी इग्नोरेंस की वजह से, या तो ये नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो ये इनकी 6th सेम की डेट शीट आई थी जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो क्लैश कर रही थी CUET के एग्ज़ाम से। उसके बाद इनने वो कुछ दोबारा डेट शीट निकाली, कुछ पेपर पोस्टपोन किए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कुछ एग्ज़ाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके साथ क्लैश कर रहे हैं, और कुछ एग्ज़ाम जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ उसके साथ क्लैश कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में मैंने इंट्रेंस के लिए, आगे प्रोफेशनल डिग्री के लिए, नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला था, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, CUET, वो भी भरा था मैंने सारा, क्योंकि मुझे पता था कि जम्मू यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इग्नोरेंस रहती है। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैंने आगे फ्यूचर देखना है, मैंने अपना कैरियर बनाना है, मैंने सोचना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला था, फिर भी मुझे एग्ज़ाम 2-3 जो है अभी तक मिस हो चुके हैं। पहला एग्ज़ाम 3 तारीख को इनका 6th सेम का डेट शीट आई थी, 6th सेम का 3 तारीख को इनका एग्ज़ाम था, तो वो क्लैश कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के साथ। तो अब 16th को इधर इनका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, GDC का एग्ज़ाम जो है 16th को है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी 16th को ही है। अब आप ही बताओ, 16th को इनका एग्ज़ाम भी है, उनका भी एग्ज़ाम है, और टाइमिंग वगैरह ना वो मॉर्निंग इवनिंग कुछ होता है ना बीच में गैप, कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क है, उधर भी इवनिंग में ही है कश्मीर यूनिवर्सिटी, इधर भी इवनिंग में ही है। अब इस सिलसिले में मुझे अभी तक 2-3 एग्ज़ाम जो है मिस हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं 6th सेम का एग्ज़ाम दूँ या फिर वो इंट्रेंस दूँ, अगर 6th सेम का नहीं दूंगा तो मेरी डिग्री रह जाएगी, फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है। इसलिए ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है इनसे, उमेश राय सर से, VC सर से रिक्वेस्ट है कि इनका जो है कुछ ना कुछ 6th सेम की डेट शीट दोबारा निकाली जाए, जिसमें ये किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जो है क्लैश ना करें, क्योंकि अभी तक मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे ही छूट चुके हैं। क्या लगता है आपको, इसके अलावा भी कुछ आपके साथी हैं जो इस तरीके से जूझ रहे हैं इन मसाइल से? देखिए सारे अपनी अपनी जगह सारे परेशान हैं, अब कोई आगे आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, लेकिन आगे मैंने देखा है अपनी अपनी जगह सारे परेशान हैं।
हर एक यही रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह उमेश राय सर से, वीसी सर से रिक्वेस्ट, मतलब उन तक आवाज़ पहुंचाओ, रिक्वेस्ट करो किसी भी तरह 6M की डेट शीट दोबारा निकाली जाए, जिसमें ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मतलब वो क्लैश ना करे। कश्मीर यूनिवर्सिटी का फोर्थ को कि थर्ड को शायद ऐसे ही था कुछ एग्ज़ाम LLB का, तो उसका भी यही सीन हुआ, वो भी क्लैश करने लगा 6M की डेट शीट के साथ। तो मेरा अब मुझे इधर देना था, मैंने इधर दे दिया, वो LLB का भी छूट गया। चलो प्रोफेशनल डिग्री का वो अब रह गया, वो उम्मीद ही रह गई। तो अब ज्योग्राफी का था, कम से कम ज्योग्राफी में PG करने दो। अब ये मतलब क्या चाहते क्या है हमसे, हम सिर्फ मतलब ग्रेजुएट ही रहें या फिर आगे पढ़े ही ना। उमेश राय सर से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह ये क्लैश का जो है ये दोबारा पोस्टपोन किए जाए एग्ज़ाम, दोबारा डेट शीट आए हमारे 6M की, जिसमें किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी एग्ज़ाम क्लैश ना हो। कम से कम ये इतना तो देख ही सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो किस किस डेट को आ रहे हैं और हम क्या निकाल रहे हैं, हम किस डेट को निकाल रहे हैं। कम से कम टाइमिंग का गैप रखो। देखिए लास्ट पे मैं उम्मीद रखता हूँ उमेश राय सर से, VC सर से, कि मेरा जो है अपकमिंग एग्ज़ाम अब 16th को है, जो कि ज्योग्राफी PG का है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और 16th को ही मुझे यहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी का 6M एग्ज़ाम भी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि ये दोबारा 6M की डेट शीट निकाले या किसी भी तरह, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी वो तो अब नहीं निकाल सकती है। अब 6M का कम से कम यही सोचे, यही दोबारा डेट शीट निकाले, जो हमारा 16th को ज्योग्राफी का पेपर है वो पोस्टपोन करें, डेफर करें, आगे करें, क्योंकि पहले भी CUT के साथ जो है क्लैशेस आ रहे थे, उस मामले में, उस मसले में इन्होंने दोबारा डेट शीट निकाली थी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फ्यूचर का सोचा जाए, हमारे कैरियर का सोचा जाए, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलो, क्योंकि बेरोज़गारी पहले ही हद से ज़्यादा है। कम से कम आगे ये क्लैशेज ये ख़त्म कर दो, किसी भी तरह 6M की डेट शीट दोबारा निकालो, GTC की डेट शीट जम्मू यूनिवर्सिटी, ताकि मुझे क्लैश उसके साथ ना आए, कम से कम मैं ज्योग्राफी में PG कर पाऊँ, क्योंकि LLB का वो ख्वाब ही रह गया, वो भी छूट गया मुझसे। बाकी मैंने बहुत सारे अलीगढ़ के ख्वाब रखे थे, वो भी छूट गए, वो भी क्लैशेज आने लगे, या तो एक दिन इधर एग्ज़ाम दूसरे दिन उधर, जो कि पॉसिबल था ही नहीं जाना। उसके अलावा अब एक ही मेरे पास रास्ता बचा है, एक ही एग्ज़ाम है, वो ज्योग्राफी में है कश्मीर यूनिवर्सिटी में 16th को। तो अब कम से कम यही उमेश राय सर, आप ही मेहरबानी करें हम पे, आप डेट शीट GTC की दोबारा निकालें 6M की, जिसमें वो ज्योग्राफी का आगे पोस्टपोन करें, डेफर करें, ताकि मैं आराम से ज्योग्राफी का ही एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी में दे पाऊँ और आगे अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू रख पाऊँ। नाज़रीन, जम्मू यूनिवर्सिटी के एक एफिलेटेड कॉलेज से हमारे साथ एक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट बात कर रहे थे, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ में VC वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उमेश राय सर की जानिब भी इन्होंने अपने अपील रखी है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए। अब देखना यही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखेगी। अब अगर ये वाला एग्ज़ाम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है ये तो देना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 16 को उन्होंने डेट रखी है वो भी पोस्टपोन नहीं हो सकती, वो भी एक ही बार आ सकता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी, दोनों में से किसी एक को सोचना चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, और किसी ऐसी डेट पर दोनों एग्ज़ाम्स को टर्न करना चाहिए ताकि बच्चे अंडर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे दें और उसके साथ PG का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी दे दें। आपका इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या कहना है, आप भी तब्सर में बता सकते हैं। साथ में अगर आप लोग भी किसी तरीके से जूझ रहे हैं किसी भी मसले में तालीम के एतबार से, तो आप भी तब्सर में बता सकते हैं। देखते रहे शुभम चैनल, अपने मेज़बान इदलीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं तो देर क्यों, जल्दी से रब्ता करें चिनावेली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तियाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9906356673979666 6690।